वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज एक बार फिर इस्लाम धर्म के जो कट्टरपंथी मानसिकता है और जिहादी सोच से परेशान होकर एक बार फिर एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को अपना लिया और वो श्रवण कुमार हो गया। मैं बात कर रहा हूं फतेहपुर के अब्दुल जमील की, जो अब हिंदू धर्म में आ गए हैं और उनका नाम श्रवण कुमार रखा गया है। जी हाँ, अब्दुल जमील मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं, लेकिन शिकोहाबाद से रिटायर होने के बाद अब वो फतेहपुर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्हें पहले से ही भगवान राम के प्रति आस्था थी, जिसके बाद अब उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और वो श्रवण कुमार बन गए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्हें कट्टरपंथ मानसिकता का शिकार होना पड़ा और उनकी आवाज को वहां इस्लाम धर्म में दबाया जा रहा था, जिससे बेहद परेशान होकर अब उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला लिया। सुनिए अब्दुल जमील ने क्या कहा। मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस पूर्व धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएं, ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहिए। किस प्रकार कुरीतियाँ थी, जैसे क्या बताया था कि वो ये धर्म ऐसा था कि वो अपने लिए हित के लिए? मैं आपको बता दूं, ये इस धर्म के सामने देख लीजिए, इस धर्म के अंदर सबसे बड़ी कुरीति ये थी, अगर भाई को भाई कैसे कुछ छीनना हो तो उसको प्रताड़ित ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी हरण कर सकते, सबसे बड़ी कुरीति ये थी। थोड़ी छोटी बातों के ऊपर मर्डर कर देना, ये कर देना, उल्टी शिक्षा देना, मरने के लिए तैयार करना, समझे। अब्दुल जमील ने यह भी बताया कि किस तरीके से उनके साले ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें पीटा गया, और जब उन्हें पता लगा कि किस तरीके से वो इस्लाम धर्म में रहकर हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो उन्हें काफिर तक कहा गया। मेरी आस्था तो थी, धीरे धीरे आस्था प्रगाढ़ होती गई। इधर मैंने जो है अपने को कुछ यातनाएं भी मुझे ऐसी मिली, जब लोगों को पता चला ये तो बिल्कुल आधे वो हैं, तो मुझे काफिर भी कहने लगे, तुम कुछ कर रहे हो, तुम काफिर होते जा रहे हो। मेरे रिश्तेदार मिलने वाले मेरे उपहास उड़ाते थे, उनसे मैं त्रस्त हो गया। अंत में आकर के मैंने कहा कि ऐसा छुपाने से क्या फायदा, इनसे डरते रहो छुपते रहते हो। मैंने मेरे मन ने धिक्कारा मुझको कि तू कहाँ कर रहा लौट। मैंने मेरी अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा कि तू अपने डरे मत, निर्भय होकर के, निडर होकर के तू अपने धर्म में पुनर्वास। दबाव तो नहीं आपके ऊपर? दबाव तो मुझे बहुत है, मुझे कितना परेशानी, मेरे मारा पीटा गया, मेरे साला जो है। सनातन धर्म अपनाने के लिए कोई दबाव तो नहीं? अरे उसी का तो दबाव है और क्या, और कोई विघटन नहीं था पहले से उनको। सुना आपने श्रवण कुमार बने अब्दुल जमील ने क्या क्या कहा, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने परेशान होकर अब हिंदू धर्म अपना लिया है और वो सनातनी हिंदू हो गए हैं।